अब हम मिसेलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस है और उनका मीन क्वेश्चन में है कि 9 के बराबर है और वेरिएंस 9.25 के बराबर है। और उन 8 ऑब्जर्वेशंस में से 6 ऑब्जर्वेशंस हमें पता है, तो वो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं 6, 7, 10, 12, दो बार रिपीट हो रहा है, और 13। और दो ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता है और हमें इस क्वेश्चन में वही दो रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम उन दो ऑब्जर्वेशन को अभी एक्स और वाई एज्यूम कर लें, तो ये दो वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई, तो ये दो ऑब्जर्वेशन हैं। तो अब मीन 9 के बराबर है क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन हैं इनका सम, यानी एक्स प्लस वाई प्लस 6 प्लस 7 13 प्लस 10 प्लस 13 जोड़ दें तो 23, और 12 दो बार है तो 24। हम देख सकते हैं ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अभी एक्स और वाई हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 8, और ये मीन के बराबर हो जाएगा, यानी ये 9 के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करें तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, हम देख सकते हैं ये जो टर्म है 13 प्लस 23 36 प्लस 24 60 के बराबर है, और 8 को इधर ले जाके 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 × 8 72। तो हम देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 72 माइनस 60 यानी 12 के। तो x और y में अभी हमें एक इक्वेशन मिला, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है, हमें दो वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो वो वेरिएंस के फॉर्मूला से मिलेगा। तो वेरिएंस हमें पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लिख दें तो ये समेशन एक्स आई स्क्वायर, यानी हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें वेरिएंस में, वेरिएंस के फॉर्मूला में, तो वेरिएंस हमें पता है 9.25 के बराबर है, और हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम, यानी 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 10 का हम जानते हैं 100, 12 का स्क्वायर दो बार है यानी 144 प्लस 144, तो हम 288 लिख सकते हैं, 13 का 169, और एक्स और वाई का स्क्वायर हमें नहीं पता है तो हम जस्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 8 है माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन 9 है तो मीन का स्क्वायर अभी 9 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो अब अगर इस टर्म को, बस जो ये न्यूमेरेटर में टर्म है इसको अगर हम ऐड कर दें तो हम देख सकते हैं, और थोड़ा अलजेब्रा यहाँ पर लगाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 642 डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हैं माइनस 81, 9.25 के बराबर है, तो ये जो माइनस 9 स्क्वायर है इसको अगर हम 9.25 के साइड भेज दें तो 9.25 प्लस 9 का स्क्वायर, और 9 के स्क्वायर को हम यहाँ पर 81 लिख सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 642 ये बराबर हो जाएगा 81 प्लस 9.25 यानी 90.25 इंटू 8 के, 8 को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करें तो ये 90.25 इंटू 8 यानी 722 माइनस 642 के बराबर हो जाएगा, और 722 माइनस 642 आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये 80 के बराबर है, तो ये चेक कर सकते हैं ये 722 के बराबर है। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 के बराबर हो गया। और अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो अगर हम वाई का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन की मदद से 12 माइनस एक्स, तो अब इस इक्वेशन में यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 में हम वाई की वैल्यू 12 माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगा एक्स में। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स प्लस वाई 12 है, यानी अगर हम इसे वाई इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स लिखें तो ये गलत नहीं होगा। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये 80 के बराबर है। तो अब हमें जस्ट इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो हमें एक्स की दो वैल्यू मिल जाएगी। हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 144 12 का स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, हम जस्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 12 इंटू एक्स 24x ये बराबर है 80 के। तो हम देख सकते हैं 2x स्क्वायर है माइनस 24x है प्लस 64 है। तो अब यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। तो अब या तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसके बाद जो फॉर्मूला है अप्लाई कर देंगे रूट्स का माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, या फिर जस्ट हम बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 12x हम माइनस 8x माइनस 4x लिख सकते हैं।
तो आप क्वाड्रेटिक जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो, जस्ट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, आप क्लास 10th में भी सीख चुके होंगे। तो ये x माइनस 8 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, x स्क्वायर माइनस 8 x माइनस 4 x यानी माइनस 12 x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू मिली, 8 और 4, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलेगी। तो y हमने देखा था 12 माइनस x के बराबर है, यानी जब x 8 है तो y 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, और जब x 4 है तो y 12 माइनस 4 8 के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि भले ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक था, x की दो अलग वैल्यू मिली, y की दो अलग वैल्यू मिली, लेकिन हमें दो ऑब्जर्वेशन निकालना था, यानी जो वो दो नंबर है जो दो वो क्या है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों रूट से सेम पेयर मिल रहा है, 8 और 4, या फिर हम कह सकते हैं 4 और 8, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि हमें जस्ट दोनों ऑब्जर्वेशन बताना था जो रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन है, और हम देख सकते हैं कि रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन 8 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 ऑब्जर्वेशन हैं जिनमें से 5 ऑब्जर्वेशन हमें पता है। तो जो 5 ऑब्जर्वेशन हमें पता है वो है 2, 4, 10, 12 और 14, और जो रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन है उन्हें अगेन हम x और y अज्यूम कर लेते हैं, और इन 7 ऑब्जर्वेशन का मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 के बराबर है और वेरियंस 16 के बराबर है, और हमें जो रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन है x और y वो बताना है। तो हम देख सकते हैं कि कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से, जस्ट डेटा चेंज है, और जो दो इक्वेशन हमने अप्लाई किया था और फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली थी, सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम प्रोसीड करेंगे। तो अब सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी x प्लस वाई प्लस इस पांचों ऑब्जर्वेशन को अगर हम एक बार सम करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 14 प्लस 6 20 और 20 प्लस 22 ये 42 के बराबर है। आप ऑब्जर्वेशन का सम करके देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 42 हो जाएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर 7 के बराबर है, और ये बराबर हो जाएगा 8 के, जो मीन है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो x प्लस वाई प्लस 42 ये बराबर हो जाएगा 8 इंटू 7 56 के, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 56 माइनस 42 14 के। तो अब एक इक्वेशन x प्लस वाई में मिल गया, अब दूसरे इक्वेशन से यानी वेरियंस के इक्वेशन से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, उसमें हम y की वैल्यू यहां से पुट करते हैं 14 माइनस 6, तो हम वेरियंस के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो वेरियंस हम जानते हैं कि वेरियंस जो होगा 16 वो समेशन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पर एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, यानी हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर 7 है माइनस मीन का स्क्वायर, मीन हम देख सकते हैं 8 है तो माइनस 8 का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, इसको अगर हम समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर को अगर हम क्लियरली लिखें तो ये हर एक ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को हम साथ लिख देते हैं तो 4 प्लस 16 20 हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 7, तो ये बराबर हो जाएगा 16 प्लस 8 स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, यहां पर हम जस्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 7 लिख रहे हैं, तो 8 स्क्वायर इधर माइनस में इधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर को हम 64 लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जो सम है 120 प्लस 240 यानी 120 प्लस 340 सॉरी ये 460 के बराबर है, और इधर हम देख सकते हैं ये 80 इंटू 7 16 प्लस 64 80 हो जाएगा, और इसे हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 इंटू 7 560 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 के बराबर है और x प्लस वाई 14 के बराबर है। तो अगेन अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर y अगर हम देखें तो ये 14 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, और y की वैल्यू 14 माइनस एक्स अब अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो हमें x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। तो अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर जानते हैं 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x, जस्ट हम स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये 100 के बराबर, और अब अगर हम 2 कैंसिल कर दें पूरे इक्वेशन से तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 28 के बदला 14x प्लस 96 हो जाएगा, लेकिन 2 हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 48 इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये x माइनस 6 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर जस्ट फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x हमें मिल गया 6 और 8, और हम देख सकते हैं कि y भी 8 और 6 मिल जाएगा करस्पॉन्डिंगली, y 14 माइनस x है
जब एक्स सिक्स होगा तो वाई एट होगा, जब एट होगा तो सिक्स होगा। इसका मतलब जो दो ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए था एक्स और वाई, वो सिक्स और एट है, या फिर हम कह सकते हैं एट और सिक्स है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमें जस्ट दोनों ऑब्जर्वेशन बताना था। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास सिक्स ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन एट है और स्टैंडर्ड डेविएशन फोर के बराबर है। पर स्टैंडर्ड डेविएशन फोर के बराबर है तो वेरिएंस हम देख सकते हैं फोर स्क्वायर यानी 16 के बराबर हो जाएगा। तो जो सिक्स ऑब्जर्वेशन हैं उन्हें हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव और एक्स सिक्स है रिस्पेक्टिवली। और अब क्वेश्चन में है कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को, ईच ऑब्जर्वेशन को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो अगर अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन को, तो ऑब्जर्वेशन 3x1, 3x2, 3x3 इस तरह से 3x6 तक चला जाएगा, तो 3x4 लिख सकते हैं हम, 3x5 और 3x6 हो जाएगा। तो पहले मीन 8 था और अब हमें बताना है कि न्यू मीन क्या है। तो पहले मीन 8 था, इसका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी डिवाइडेड बाई 6, ये 8 के बराबर था। और अब हमें न्यू मीन बताना है यानी हमें इसका वैल्यू बताना है, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 x6 तक जाएंगे, 3x5 प्लस 3x6 डिवाइडेड बाई 6 का वैल्यू बताना है। तो हम देख सकते हैं कि ये अगर हम 3 कॉमन ले लें इसमें से तो ये जस्ट सेम टर्म हमारे पास आ जाएगा, x1 प्लस x2 अगर हम सब में से 3 कॉमन ले रहे हैं तो जस्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 x6 तक डिवाइडेड बाय 6 यानी, और उसका वैल्यू हम जानते हैं 8 के बराबर है, वो जस्ट हमारा अर्लियर जो मीन था वो हो जाएगा। तो न्यू मीन अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन भी हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और जो मॉडिफाइड मीन है नया मीन वो 3 × 8 24 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें बताना है कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो पहले जो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन था या फिर हम वेरिएंस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ये बराबर हो जाता है हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, समेशन एक्साई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। और अब अगर इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करें तो हम जानते हैं सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर 16 था, ये हम जस्ट अभी अर्लियर केस के लिए निकाल रहे हैं, अभी हमने ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। और समेशन एक्स आई स्क्वायर जस्ट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x6 स्क्वायर तक है, तो इसका भी हम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये अभी हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है और मीन 8 था तो 8 का स्क्वायर हम 64 लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि समेशन एक्स आई स्क्वायर अर्लियर केस में जब हर एक ऑब्जर्वेशन हमने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो 16 प्लस 64 80 इंटू 6 के बराबर हो जाएगा यानी 480 के बराबर हो जाएगा। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर अर्लियर केस में 480 था और अब इसके मदद से हम नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर पहले हम वेरियंस निकाल लेते हैं और उसका रूट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो अब जो न्यू वेरियंस है वो समेशन एक्स आई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो एक्स आई है वो 3 इंटू एक्स आई है, या फिर हम लिख सकते हैं समेशन 3 एक्स आई इस टर्म का, क्योंकि ये जो अर्लियर एक्स आई था वो अब 3 एक्स आई हो चुका है, x1 3x1 हो चुका है, x2 3x2 हो चुका है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगेन 6 है और मीन अभी हमने कैलकुलेट किया कि न्यू मीन 24 है माइनस 24 का स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि 3xi के स्क्वायर का अगर हम सम कर रहे हैं यानी 9xi स्क्वायर कर रहे हैं, जस्ट हम अगर 3x1 का स्क्वायर करेंगे, 3x1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9x1 स्क्वायर मिल जाएगा, अगर हम 3x1 किसी का स्क्वायर करते हैं तो हमें 9x1 स्क्वायर 9x2 स्क्वायर इस तरह से मिल जाएगा। और अब अगर हम उनका सम कर रहे हैं 9x3 स्क्वायर, ये जस्ट x3 स्क्वायर है, तो अब अगर हम उनका सम कर रहे हैं तो हमें 9 × x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर मिलेगा, इस तरह से बढ़ेगा। और ये सम x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर हम जानते हैं 480 के बराबर है, अभी हमने कैलकुलेट किया वेरिएंस के फॉर्मूले की मदद से। तो इसे हम लिख सकते हैं इस टर्म को 3xi की स्क्वायर के समेशन को, या फिर जो न्यू वेरिएंस है हम 9 × समेशन ऑफ xi स्क्वायर, और समेशन ऑफ xi स्क्वायर हम जानते हैं 480 के बराबर डिवाइडेड बाई 6 माइनस 24 का स्क्वायर हम जानते हैं 576 के बराबर, और 9/6 यानी 3/2 और 3/2 × 480 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं ये 720 के बराबर होगा,
तो जो वेरिएंस है वो 720 माइनस 576 यानी 144 के बराबर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ 144, हम जानते हैं रूट स्क्वायर रूट 144 का 12 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 4 था वो भी जस्ट 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और वेरियंस 9 से मल्टीप्लाइड हो गया। वेरियंस 16 था, वेरियंस इस केस में 144 हो गया। यानी हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 के स्क्वायर से वेरियंस मल्टीप्लाई हो गया 9 से मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है कि एन ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, एन ऑब्जर्वेशन है, इसे हम डिनोट कर सकते हैं x1, x2, x3, xn से, और इन ऑब्जर्वेशन का मीन x बार है, इसे हम डिनोट करेंगे, और वेरियंस जो नोटेशन है वेरियंस का सिग्मा स्क्वायर वो है। और अब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम a किसी कॉन्स्टेंट a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ax1, ax2, ax3 से axn हो जाता है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि न्यू मीन a इंटू जो ओल्डर मीन था x बार वो हो जाएगा, और वेरियंस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यू वेरियंस ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर ये हमें प्रूफ करना है तो हम जस्ट जो सबसे पहले मीन प्रूफ करने के लिए मीन के फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं ए एक्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस ए एक्स एन डिवाइडेड बाई एन के बराबर हो जाएगा। और अब अगर इन ऑब्जर्वेशन में से हम ए कॉमन ले लें तो जो न्यूमरेटर पार्ट हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन डिवाइडेड बाई एन। और अगर हम ये टर्म देखें एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर एक्स एन तक डिवाइडेड बाई एन, तो हम देख सकते हैं कि ये जस्ट इस मीन का फॉर्मूला है। ये मीन जो एन ऑब्जर्वेशन था अर्लियर उसका मीन था, यानी ये एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू एक्स एन डिवाइडेड बाई एन था। हम देख सकते हैं कि ये टर्म जस्ट यहाँ पर आया। तो ये जो न्यू मीन है ये ए टाइम्स ओल्डर मीन एक्स बार के बराबर हो जाएगा। और अब हमें वेरियंस प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम वेरियंस के फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो वेरियंस हम जानते हैं कि वेरियंस जो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, और इसका हम जब मीन डेविएशन निकाल रहे होते थे तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते थे, मॉड ले लेते थे, लेकिन वेरिएंस में हम स्क्वायर लेते हैं और पूरे को सम कर देते हैं ओवर ऑल आई, आई वन से एन तक जाएगा क्योंकि हमारे पास एक्स वन से एक्स एन तक ऑब्जर्वेशन हैं। तो यहाँ पर अगर अब न्यू ऑब्जर्वेशन ए टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और मीन भी अब ये मीन है, न्यू मीन भी हमने देखा ए टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये ओल्डर वेरियंस यानी इसे डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का यूज कर लेते हैं। जस्ट स्पेस का में सिग्मा स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। और अब जो न्यू मीन होगा वो ए टाइम्स एक्स आई, क्योंकि जो न्यू ऑब्जर्वेशन है वो ए एक्स आई है, और न्यू मीन अभी हमने कैलकुलेट किया कि ए टाइम्स एक्स बार है, इसका स्क्वायर हर एक ऑब्जर्वेशन का ये डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर हम सम कर देंगे तो ये न्यू वेरियंस हो जाएगा। तो अब अगर हम इसे ध्यान दें तो ये जस्ट कुछ नहीं है, सम है ए एक्स वन माइनस ए मीन ए टाइम्स मीन का स्क्वायर प्लस सेम टर्म एक्स टू के लिए रिपीट होगा, और सेम टर्म रिपीट होता जाएगा अप टू एन ये रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस नहीं तो हम एन का टर्म नहीं लिख रहे हैं। और अब अगर इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें इस सभी टर्म्स में से, हम देख सकते हैं कि ये ए एक्स वन माइनस ए, तो ए अगर इसमें से कॉमन ले रहे हैं यानी तो बाहर आके वो ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये टर्म स्क्वायर में है। तो इसमें से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये एक्स वन माइनस मीन का स्क्वायर, और उसी तरह इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तो इसे हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं बिग ब्रैकेट में, तो यहाँ पर से हमारे पास एक्स टू माइनस मीन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जस्ट सिंपल अलजेब्रा, आप देख सकते हैं हम जस्ट ए स्क्वायर बाहर ले रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन तक जाएगा ये, यानी एक्स एन माइनस मीन का स्क्वायर ये। और हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर, और ये सभी टर्म डिवाइड होगा एन से, तो वो यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऑब्जर्वेशन चेंज भी कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एन सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखना भी चाहें वेरियंस इसका
सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, तो वो एन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसलिए हमने उसे इग्नोर किया था। लेकिन अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर भी वो एन आएगा और वो एन कॉन्स्टेंट रहेगा, वो एन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, तो हम लिखे या नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाई एन। और अब ए स्क्वायर के बाद जो टर्म है एक्स वन माइनस मीन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस मीन का स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वेरियंस है इनका, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन था उसका वेरियंस है। क्लियरली हम देख सकते हैं वेरियंस का फॉर्मूला ही यही होता है, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर का समेशन है पूरा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे थे न्यू वेरियंस, यानी जब हम ए से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो, और हम देख सकते हैं कि वो जस्ट ए स्क्वायर टाइम्स ओल्डर वेरियंस सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाए, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर फाइव में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 20 है और इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली 10 और 2 था, यानी मीन 10 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 2। लेकिन रीचेकिंग करने पर यह पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन 8 इन ऑब्जर्वेशन में से, इन 20 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन जिसका वैल्यू कोई भी हम एक्स आई मान लेते हैं आई 1 से लेकर 20 तक है, 1 से लेकर 20 में कोई एक भी ऑब्जर्वेशन वो 8 था, वो इनकरेक्ट था। तो अब हमें करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। अगर हम इस फर्स्ट ऑप्शन में अगर इस रॉन्ग आइटम को ओमिट कर देते हैं यानी मिटा देते हैं और रिमेनिंग 19 ऑब्जर्वेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो 20 ऑब्जर्वेशन था और उसका मीन 10 था, यानी जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है समेशन ऑफ एक्स आई 1 से लेकर 20 तक वो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, ये मीन होता है, ये 10 के बराबर था, यानी उन 20 ऑब्जर्वेशन का सम समेशन एक्स आई वो 200 के बराबर था, तभी मीन 10 हो रहा था। क्योंकि अगर हम जो सम होता है 1 से लेकर 20 तक समेशन ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन का 1 से लेकर 20 तक, वो अगर हम सम करेंगे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 से तो 10 मीन मिल जाता, तो वो 200 है, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 20 × 10। लेकिन इसमें से एक ऑब्जर्वेशन 8 जो था वो गलत है, ये हमने रीचेकिंग पर पाया कि गलत है। तो अब अगर इस ऑब्जर्वेशन को हम हटा दें तो जो सम हो जाएगा वो 200 - 8 हो जाएगा, क्योंकि इस 20 ऑब्जर्वेशंस में 8 भी कहीं पर आ रहा है, तो अगर वो रॉन्ग है तो उसे हम हटा देंगे, तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस का सम 192 हो गया। और अब जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस का नंबर है वो पहले 20 ऑब्जर्वेशन था, अब हम एक ऑब्जर्वेशन हटा दे रहे हैं तो अब जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 19 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब 19 है और उसका सम 192 है, तो मीन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 192/19 यानी 10.10 के आसपास हो जाएगा, 10.10 लिख सकते हैं। और अब हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो अर्लियर था वो 2 था और इसका मतलब है कि वेरियंस जस्ट इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वेरियंस इसका मतलब 4 था। और अब अगर हम वेरियंस का फॉर्मूला यूज करें यानी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 20 है माइनस मीन का स्क्वायर, मीन हम अभी अर्लियर फॉर्मूला अर्लियर जो डेटा है उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मीन 10 था तो माइनस 10 स्क्वायर, ये बराबर है वेरियंस के। ये जस्ट हमने वेरियंस का फॉर्मूला यूज किया जब हम 20 ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी अभी हम 8 को अभी हम रीचेक नहीं किए और अभी 8 को निकाले नहीं है, तो ये यहाँ से हम समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समेशन है n इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक, अभी हमने 8 को डिस्कार्ड नहीं किया है, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हम देख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 4 यानी 104 × 20 के बराबर हो जाएगा, तो 104 × 20 से हम 2080 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब एक ऑब्जर्वेशन 8 गलत पाया गया है, तो 8 हमने जिस तरह से मीन में हटाया उसी तरह समेशन एक्स आई स्क्वायर में भी 8 का स्क्वायर कहीं पर आ रहा होगा, कोई एक ऑब्जर्वेशन 8 होगा तो उसका स्क्वायर भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन अब वो ऑब्जर्वेशन गलत है हमें उसे ओमिट कर देना है, तो हम उसके स्क्वायर को 2080 में से घटा देंगे तो हमें नया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिल जाएगा, यानी रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का 8 को ओमिट करने के बाद, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर में से हम एक स्क्वायर घटा देंगे, तो 2080 में से अगर हम 64 हटा देते हैं तो हमें 2016 मिल जाएगा। और अब जो नया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है ये बस 19 ऑब्जर्वेशन का है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन रीचेक करने पर गलत पाया गया उसे हम निकाल चुके हैं, तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अब 2016 है,
तो अब अगर हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम वेरियंस के फॉर्मूला में जस्ट रूट लगा देते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा और इस फॉर्मूला में। तो अब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 2018 ना होकर के 2016 है। उसी तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ना होकर 19 है और मीन अब नया जो रिमेम मीन है वो हम डालेंगे तो मीन हम देख सकते हैं 192/19 है। तो हम मीन का स्क्वायर लेते हैं तो 192/19 का स्क्वायर ले लेंगे और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा 1 पॉइंट, या फिर हम 1/19 को पहले कॉमन ले लेते हैं तो 1/19 और ये रूट अंडर 2016 × 19 माइनस 192 का स्क्वायर यानी 1440 के बराबर हो जाएगा। तो इसे अगर हम डिसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1.99 के बराबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के पार्ट बी में हम जस्ट जो एक ऑब्जर्वेशन 8 इनकरेक्ट पाया गया था उसे ओमिट नहीं कर रहे हैं, उसके बदले दूसरा ऑब्जर्वेशन करेक्ट ऑब्जर्वेशन 12 पुट कर देना है, 12 से रिप्लेस कर देना है और अब हमें न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो अब अगर न्यू मीन बताना है तो मीन काफी इजी है। अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 200 में से अगर हम एक ऑब्जर्वेशन 8 हटा दे रहे हैं तो सम 192 हो जा रहा था। अब हम उस 8 को 12 से रिप्लेस कर रहे हैं यानी 192 में हम 12 जोड़ देंगे तो हमें न्यू ऑब्जर्वेशन के बाद सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएगा जो 204 के बराबर हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 20 है। 20 में से एक आइटम को हम जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं, अब हम ओमिट नहीं कर रहे हैं। वहां पे हम ओमिट कर दे रहे थे तो 20 के बाद एक घट जा रहा था, 19 बच रहा था, लेकिन अब हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ही रहेगा और सम 4 से बढ़ जाएगा क्योंकि हम एक ऑब्जर्वेशन 8 के बदले 12 पुट कर रहे हैं। तो सम 204 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20। तो हम देख सकते हैं मीन बराबर हो जाएगा 10.2 के। अब हमें नया स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा था कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर जब हम 8 को ओमिट नहीं किए थे यानी अभी 8 था तो उस वक्त वो 2080 था और अब हम 8 को 12 से रिप्लेस कर रहे हैं यानी 2080 जो नया समेशन, ये अब रिफॉर्म्ड समय नया समेशन है यानी रिप्लेस करने के बाद वो 2080 में से अब हम एक ऑब्जर्वेशन एक्स आई एक 8 हटा रहे हैं तो 8 का स्क्वायर घटा देंगे 64 और 12 से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसमें 12 का स्क्वायर ऐड कर देंगे यानी 144 ऐड कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि 2080 - 64 ये 2016 है जो अभी हमारे पास सम आ रहा था अगर हम 8 को ओमिट कर दे रहे थे, सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहा था। तो अब अगर हम 2016 में 144 जोड़ देंगे तो हमें 2160 ये नया सम मिल जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएगा नया। तो अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अब नया समेशन, पहले समेशन एक्स आई स्क्वायर 2080 था, अब 2160 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है क्योंकि हम जस्ट रिप्लेस किए हैं तो 2160 डिवाइडेड बाई 20 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन हम देख सकते हैं 10.2 है माइनस 10.2 का स्क्वायर और ये कट जाएगा और हम देख सकते हैं 108 है यानी 108 माइनस 10.2 का स्क्वायर। तो 108 माइनस 10.2 का स्क्वायर हम देख सकते हैं ये 1.98 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास डेटा है अबाउट मार्क्स ऑब्टेंड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, तो जो एन है वो 50 है, 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स और वो 3 सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जस्ट ये पता है कि इस डेटा में मीन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए जो मार्क्स ऑब्टेंड डेटा है 50 स्टूडेंट्स का, उसका मीन है 42 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 12। फिजिक्स के लिए सेम क्वांटिटीज है 32 और 15 रिस्पेक्टिवली और केमिस्ट्री के लिए मीन है 40.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 20। और अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट हाईएस्ट वेरिएबिलिटी शो कर रहा है और कौन लोवेस्ट। तो जस्ट हमें वेरिएबिलिटी का ऑर्डर बताना है, हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो जो मिडिल में आएगा वो सेकंड नंबर पर रहेगा वेरिएबिलिटी में। तो अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेयर करना है, वेरिएबिलिटी कंपेयर करना मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेयर करना। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। सबसे पहले हम मैथ्स के लिए कंपेयर कर लेते हैं, तो ये मैथ्स का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है हम जस्ट एम से डिनोट कर रहे हैं, तो एम हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 42 इनटू 100
यानी 1200 बाई 42, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 6 से अगर डिवाइड कर दें तो 200 बाई 7 के बराबर हो जाएगा। 200 बाई 7 28.57 के बराबर हो जाएगा। और अब सेम चीज़ अगर हम फिजिक्स के लिए कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, जो हम देख सकते हैं 1500 बाई 32 या फिर 750 बाई 16 के बराबर है। तो फिर हम इसे अगर 4 से डिवाइड कर दें, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर, दिए 375 बाई 8 के बराबर है। हम जानते हैं 375 बाई 8 अगर कैलकुलेट करें तो 46.87 के बराबर हो जाएगा। अब सेम टर्म, सेम क्वांटिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम केमिस्ट्री के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20 डिवाइडेड बाई मीन 40.9 इंटू 100 हो जाएगा। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 2000 बाई 40.9 यानी 48.89 के बराबर है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी है वो केमिस्ट्री शो कर रहा है और लोएस्ट मैथमेटिक्स शो कर रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस ऑर्डर में, केमिस्ट्री से फिजिक्स और फिर मैथ, हाईएस्ट केमिस्ट्री और लोएस्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली 20 और 3 था, यानी मीन 20 के बराबर था और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के बराबर, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 100 है। और उसके बाद रीचेक करने पर या फिर लेटर ये पता चला कि 3 ऑब्जर्वेशंस इनकरेक्ट थे, जो रिकॉर्डेड हैं 21 और 18, यानी ये 3 ऑब्जर्वेशंस इन 100 ऑब्जर्वेशंस में से जिनका मीन 20 था, ये 3 ऑब्जर्वेशंस इनकरेक्ट पाए गए। तो अब हमें न्यू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है अगर इन इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस को हम ओमिट कर दे रहे हैं, हम हटा दे रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि 100 ऑब्जर्वेशन में से 3 ऑब्जर्वेशन अगर हम हटा दे रहे हैं तो 97 ऑब्जर्वेशन बचेगा। लेकिन एक और चीज़ देखने का कि अब अगर हमें न्यू मीन लिखना हो तो हम नया समेशन सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो पहले अगर हम देखें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ओल्डर था वो अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये ओल्डर जब 100 ऑब्जर्वेशन था हमारे पास तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 100 ये 20 के बराबर था, क्योंकि जब 100 ऑब्जर्वेशन था, जब हम ये 3 ऑब्जर्वेशन को नहीं हटाए थे तो उस वक्त मीन 20 था। तो हम देख सकते हैं कि जो उस वक्त ऑब्जर्वेशन का सम था वो 2000 था। अब हम उनमें से 3 ऑब्जर्वेशन हटा दे रहे हैं तो उन 3 ऑब्जर्वेशन को इसमें से घटाना होगा, तब न्यू सम मिलेगा -21, -21, -18। तो हम देख सकते हैं ये -42, -18, -60 के बराबर है। तो 2000 -60 1940 के बराबर हो गया। और हम 3 ऑब्जर्वेशन हटा दिए हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 -3 यानी 97 हो जाएगा। तो अब न्यू मीन, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1940 डिवाइडेड बाई न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 97। अगेन हम देख सकते हैं कि अभी भी ये 20 के ही बराबर है, तो न्यू मीन भी 20 ही है, क्योंकि जो 3 नंबर हमने हटाया उनका मीन भी 20 आ रहा है। ये बात देखने लगा कि जो 3 नंबर हमने हटाया 60, वो 60/3 उसका मीन भी 20 ही है, इसलिए जो न्यू मीन आया वो भी 20 है। अब हमें नया स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें ओल्डर समेशन एक्स आई स्क्वायर की जरूरत होगी, क्योंकि तब हम उसमें से इन 3 स्क्वायर को हटा देंगे, इन 3 सम, तो हमें न्यू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिलेगा। तो उसके लिए जो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन था यानी 3, तो उसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे तो समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, जो कि 100 था, माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन 20 था, तो 20 का स्क्वायर। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हम देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 था। तो अब हम देख सकते हैं समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 20 का स्क्वायर प्लस 9 यानी 400 प्लस 9 के बराबर है, या फिर 409 के बराबर है। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर 409 × 100 के बराबर हो जाए। और अब इसमें से हम 3 नंबर हटा रहे हैं, यानी अब अगर हमें न्यू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, या अगर हम ये आई नोटेशन हम हटा देते हैं, आप समझ सकते हैं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये जो जितना ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 100 या 97, उनके सभी के इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम। तो हमें इसमें से 40900 में से 21 का स्क्वायर हटाना होगा यानी 441
फिर 21 का स्क्वायर और फिर 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 के बराबर और 21 का 441। तो अब अगर हम 441 माइनस 441 माइनस 324 कर रहे हैं इसमें से, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 39694 के। अब हमें नया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तीन को हटाने के बाद 97 है और मीन अगेन नया भी 20 ही है। तो अब हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ये वेरिएंस के फॉर्मूला का जस्ट रूट, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अब 39694 है, एन 97 है और माइनस अगेन मीन अभी भी 20 ही है, तो मीन का स्क्वायर हम जस्ट 400 लिख सकते हैं और हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये 409.2 के बराबर है और ये 400 है, तो ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर 409.2 माइनस 400 या फिर रूट अंडर 9.2, और रूट अंडर 9.2 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3.03।